ये वाला काम भी क्या है, यहाँ पर एक दीवार लगा रही। ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन तो हमारी बकरी के गोठ में हमेशा से रहता ही है। हमारी माता जी बैठी है, हेलो हेलो, और इनका व्रत भी है, इस वजह से भी हम लोगों ने आइसक्रीम बनाई है। आज हम लोग पहली बार खाएंगे घर की आइसक्रीम, वो भी शुद्ध आइसक्रीम। अनार तो हमने सिर्फ कलर के लिए डाल दिया। हम लोग ना नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आप लोग भी ट्राई करके देखना, अच्छा लगेगा। कहीं कहीं पर देखो इतना बड़ा झुंड लगा हुआ है। मालू के पत्तों की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता होती है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 12:32, और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कि कल शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हवा चली थी, तो कुछ इस तरीके से गेहूँ गिर भी गया हमारा और आम के पेड़ में से दाने भी निकल चुके हैं, और आज सामने वाला गेहूँ जो है वो कटना स्टार्ट हो गया है। तो लगभग लगभग हमारे गांव में गेहूं की फसल पूरी कट चुकी है, और आज हमारी फिर से एक बकरी ब्याई है। और आज मैंने जो है ना सुबह ये वाला काम भी किया है, यहाँ पर एक दीवार लगा रखी है, यहाँ पर पत्थर पड़े थे तो अब जो है यहाँ पर पूरा साफ कर देंगे। और अभी मैं आ गया हूँ अपने गोठ के पास। तो ये हैं हमारी बकरियाँ, जैसे कि आपको कई बार मैंने बता रखा है कि जितनी भी बकरी हमारी ब्याई रहती हैं तो उनको हम लोग बाहर बांध देते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली बकरी ब्याई थी और उसके बाद वो वाली ब्याई थी, इसका बच्चा तो मर गया था लेकिन उसके दो बच्चे हुए थे। तो उसके दो बच्चे देखो ये हैं हमारे नन्हे मुन्ने। तो ये दोनों जो है ना लड़के हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, दूध पीने का मन कर रहा है इनका। और एक बकरी आज और ब्याई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है देखो, ये वाली बकरी आज हमारी ब्याई है और इसका भी लड़का हुआ है, इसका लड़का हुआ है चनुआ। देखो कितना अच्छा है और कितना मोटा मोटा हो रहा है। और इसकी पहचान दिखाता हूँ अभी थोड़ी पहले लिया हुआ है, इसकी नाभी देखो अभी मिट्टी लगी है उसमें, और इतना होशियार हो रखा है ये, खुद ही दूध पीने के लिए चले जा रहा है। ये देखो, और ये भी हमारे यहाँ काला ही हो रखा है। तो आप लोगों को बता दूँ मैं, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे होते हैं बकरियों के लगभग लगभग काले ही होते हैं। ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन तो हमारी बकरी के गोठ में हमेशा से रहता ही है, तो आज वाला भी ब्लैक ही हो रखा है। तो उनमें भी जितने भी सारे बच्चे हैं वो भी देखो, वो वाला भी ब्लैक है, एक दो सफ़ेद हैं और वहाँ पर भी ब्लैक है, और बकरियाँ भी लगभग लगभग हमारे पास ब्लैक ही हैं। ये देखो फिर से ये दूध पीना चालू हो गया है, मतलब कि कितना होशियार है ये। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज बारिश बता रखी है, और अभी अभी देखो मौसम भी खराब हो गया है। ये देखो चारों तरफ आसमान में बादल लग गए हैं और सभी लोगों में जो है ना अफरा तफरी मच गई है कि बारिश हो जाएगी तो फसल ख़राब हो जाएगी। तो कितने लोगों ने तो कल ही गेहूँ मार दिए हैं रात को ही, और अभी हमारा नंबर आ रखा है तो मैं लेके जा रहा हूँ तिरपाल वगैरह, और मम्मी पापा लोग तो चले गए हैं खेत में क्योंकि ट्रैक्टर भी आ गया है, और फटाफट से गेहूँ इकट्ठे करने और मड़ाई कर देनी है, क्योंकि अगर बारिश से पहले गेहूँ मर गया तो सही रहेगा, अगर बारिश हो गई तो फिर गेहूं मारने में भी दिक्कत होती है और भूसा भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है हम लोग आज दूसरे ही दिन गेहूं मार दे रहे हैं, और बारिश तो बता ही रखी और लग भी रहा है कि मौसम देख के बारिश होने वाली है। गेहूँ तो मार दिए हैं और सभी लोग नहा धो के रेडी भी हो गए हैं, और अपने बाबूजी जंगल चले गए बकरी के ग्वाले, और आज हम लोगों ने जो है ना एक नई चीज़ बना के रखी है। वो गेहूँ मारने से पहले हम लोग रख के गए थे, वो क्या रखे गए थे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो है इस फ्रिज के अंदर, वो भी
फ्रीजर में। ये देखो, इसको पहले कर लेता हूँ मैं फ्रिज बंद, उसके बाद लेके चलता हूँ मैं बाहर। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। हमारे पास बचा हुआ था कल रात का दूध और अनार भी थे, तो हम लोगों ने दूध और अनार, चीनी वगैरह सब मिक्स करके इस थाली में डाल दिए और इसको रख दिया फ्रीजर में। हमने बना दी आइसक्रीम और यहाँ पे हमारी माता जी बैठी है। हेलो हेलो, ये देखो इसे काटूंगी मैं इससे। और इस आइसक्रीम की कटिंग होने वाली है किससे? मिसेस, हाँ मिसेस ना, सॉरी, मिसेस दीपा संभल से। दीपा संभल से, और काटेंगी पन्नियों से। और अभी हम आज कांच की कटोरी निकाल रही हूँ, काफी टाइम से रखी हुई थी। और हम तीन लोग हैं घर पे, तो तीन कटोरियाँ भी लागे हैं कांच की, और इसके बनाएंगे। तीन लोग हम खा लेंगे अभी, और बाकी छोटे भाई के लिए और बाबूजी के लिए भी रख देंगे। और अभी माता जी भी बैठी हैं, भाभी जी भी बैठी हैं, बांटने वाली हैं आप, और इनका व्रत भी है, इस वजह से भी हम लोगों ने आइसक्रीम बनाई है एकदम शुद्ध तरीके से, शुद्ध दूध। क्या डाला क्या डाला इसमें? अभी हमें सच्चाई आएगी, इसमें क्या क्या डाला है बताएंगे आप। कौन बताएगा? अब बताओ ना। मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसमें दूध, अनार और चीनी होगी। इसमें सौंफ भी है और गोला भी है। अच्छा, हाँ सौंफ भी लग, सौंफ तो है और गोला भी है। अभी हम लोग इसको खाते हैं और आप लोग तब तक हमारी वीडियो को एंजॉय करो। हम खिला तो नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि आप लोग देख के एंजॉय जरूर कर सकते हैं। तो ये देखो, आज हमने ना पहली बार बना रखी घर में आइसक्रीम, आज से पहले कभी नहीं बनाई थी, और वो भी आइडिया था हमारी भाभी जी का। तो आज हम लोग पहली बार खाएंगे घर की आइसक्रीम, वो भी शुद्ध आइसक्रीम, कल शाम का दूध और अनार, और क्या था इसमें? सौंफ और गोला, इलायची, मतलब लगभग लगभग सभी चीज़ें डाली हुई हैं। और अनार तो हमने सिर्फ कलर के लिए डाल दिया। अनार केवल कलर के लिए डाला है बल, लेकिन अनार का भी टेस्ट अच्छा आता है, मतलब अच्छा लगे थोड़ा सा दिखने में भी। हम लोग ना नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे हमने जाड़ों में नींबू के टाइम पे भी नींबू में अनार डाला था, और मूली डाली थी ना, मूली डाली थी और गाजर डाली थी, और अभी कुछ दिन पहले हमने मैगी बनाई थी तो उसमें चुकंदर डाला था, बड़ी डाली थी, बड़ी भी डाली थी। और आज हम लोगों ने आइसक्रीम बनाई है तो उसमें भी अनार वगैरह डाला है, तो इसका कुछ नया अंदाज है ना आपका? आप लोग भी ट्राई करके देखना, अच्छा लगेगा। और हमें बताना, हमें बताना। तो अभी टाइम हो गया शाम के 5:30, और मैं आ रखा हूँ तोते भगाने, क्योंकि आजकल सारे खेतों में गेहूं की फसल कट गई है और हमारा ही खेत एक बचा हुआ है, तो तोते जो है ना सारे हमारे खेत में पड़ रहे हैं। और खेत में आते आते जो है ना मेरी एक चीज़ पर नज़र पड़ी, वो क्या चीज़ है बताता हूँ आप लोगों को, वो है कटहल का पेड़। और ये देखो, एक कटहल का पेड़ ये है और दूसरा कटहल का पेड़ ये है, और मुझे नहीं पता था कि आजकल कटहल के पेड़ में कटहल लगने स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी मेरी अचानक से कटहल के पेड़ पर नज़र पड़ी तो यहाँ तो भाई बहुत सारे कटहल लगे हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। ये देखो, ये हो रखे हैं कटहल के पेड़ में कटहल, और कहीं कहीं पर देखो इतना बड़ा झुंड लगा हुआ है। तो एक पेड़ ये है और दूसरा पेड़ ये वाला है, तो इसमें भी कटहल लगे हुए हैं। और एक पेड़ जो है यहाँ पर था, तो हम लोगों ने जो है ना इसको बकरी के बच्चों को खिलाने के लिए इसकी लॉपिंग कर दी, तो इस वाले पे नहीं लगे हैं। तो इन दो पेड़ों पे कटहल लग चुके हैं। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को, हमने लगा रखा है मालू का पेड़, तो मालू के पेड़ में भी जो है ना पत्ते आने शुरू हो गए हैं। ये देखो, ये लगा रखा था हमने आज से 4-5 साल पहले, और यहाँ पर लगा रखा था, तो अभी जो है ना बढ़ते 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 वो सागुन के पेड़ में आधे से भी ऊपर चढ़ गया है, और आजकल इसमें नए नए पत्ते आ गए।
कुछ दिनों बाद अब हरेले के टाइम पर जो है ना मालू के पत्तों की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता होती है, वो होती है हरेला बोने के लिए। और हमारे यहाँ लगभग 4-5 साल से मालू का पेड़ है, तो सभी लोग जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं वो लोग हरेला बोने के लिए या फिर कोई और काम काज के लिए मालू के पत्ते लेने हमारे ही आते हैं। तो अभी मुझे भी आधे से 1.5 घंटा तोतों के ग्वाले होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे तोते भी जो है ना अपने घरों पे चले जाएंगे। तो शाम होते ही जो है ना हर चिड़ियाँ अपने अपने घरों पे चले जाती है, तो तोते भी चले जाएंगे और हमको भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो अभी मैं आ गया हूँ खेत से घर और बाबूजी भी बकरियाँ लेके आ गए हैं और कुछ बकरियाँ यहाँ पे आ भी गई हैं। और आजकल इनको भी जंगल ले जाना स्टार्ट कर दिया है। और ये वाले बच्चे इतने शैतान हैं ना, लकड़ी के ढेर के ऊपर चढ़ के आम की टहनियाँ खाते हैं। एक यहाँ पर चढ़ा है और एक जो है उधर साइड पर चढ़ा हुआ है। तो अभी टाइम हो रखा है शाम के 6:30 और हम लोग आ गए हैं फिर से खेत में। जो हमने दिन में गेहूं मार रखे थे उसका भूसा ढकने के लिए, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, आसमान में बादल लगे हुए हैं। और अभी मैं और माताजी आए हैं पन्नी लेके इस भूसे को ढकने, और साथ में एक लकड़ी भी लेके आए हैं। कुछ पत्थर भी हैं यहाँ पे। भूसे को पूरी तरीके से ढकने के बाद लकड़ी से और पत्थर से हम लोग दबा देंगे, क्योंकि अभी जो है ना हमारे पास टाइम नहीं है इस भूसे को अंदर रखने का। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग ढक देते हैं और जैसे ही हम लोगों को टाइम मिलेगा कल तो उस भूसे को भी हम लोग अंदर रख देंगे। और बाकी आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं लक्ष्मण उत्तराखंड गोलापार से मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।